बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है खबरों में, आइए डालते हैं नजर। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगाने वाली युवती ने एक वीडियो वायरल कर बड़ी धमकी दी है। कहा कि विधायक के गुर्गे व पुलिस उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। कहा कि शिकायत के इतने दिनों बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला, उल्टे उसके भाई पर भी मुकदमा कायम करा दिया गया। युवती ने खुद अपना वीडियो बनाया और यह बयान जारी किया है। बयान में उसने साफ तौर पर कहा है कि वह बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के गुर्गों से परेशान है, लगातार उसे धमकी दी जा रही है। युवती के वीडियो वायरल किए जाने के बाद भदोही जिले में हड़कंप मचा हुआ है। युवती ने कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा के सामने अपने आप को खत्म कर लेगी। वीडियो में युवती रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही है। उधर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के समर्थकों का कहना है कि युवती की यह एक नई चाल है। संक्रमण के चलते भदोही जिले में ताजियों के जुलूस पर पूरी तरह पाबंदी थी, जिसको लेकर भदोही जिले की पुलिस रात भर गश्त कर निगरानी करती रही। गुरुवार की रात जिले के चौक को लोगों ने फूलों से सजाया था। फातिहा पढ़ने के साथ ही दसवीं के दिन लोगों ने मुहर्रम की परंपराएं निभाई हैं। जगह जगह खिचड़े बनाए गए थे। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं से भी ताजिए का जुलूस नहीं निकाला गया। लोगों ने चौक पर पहुंचकर फातिहा पढ़ी और मुहर्रम की परंपराएं निभाई हैं। इस दौरान भदोही जिले के तमाम क्षेत्रों में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। भदोही कोतवाली पुलिस तो गुरुवार की रात से ही कई कई किलोमीटर पैदल भ्रमण कर गश्त किया। भदोही शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा पूरी तरह एक्टिव मोड़ पे रहे। इसी तरह गोपीगंज, खमरिया, घुसिया, भदोही, नई बाजार, चौरी, औराई में पुलिस जहां पूरी तरह मुस्तैद रही, तो वहीं लोगों ने चौक पर पहुंचकर फातिहा भी पढ़ा। इस बीच या हुसैन की सदाएं भी गूंजती रहीं। घटते संक्रमण के बीच शासन ने रविवार की बंदी भी अब समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि इसका लाभ भदोही जिले के व्यापारियों व दुकानदारों को भी मिलेगा, क्योंकि भदोही जिले में अलग अलग दिनों में साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई है। ऐसे में अब जिन बाजारों में रविवार को बंदी का दिन निर्धारित नहीं है, वहां की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इस बीच शासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने की बात कही है। यह नियम प्रतिदिन के लिए लागू होगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। चौरी थाना इलाके के जमुआ गांव के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जहां मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके के पछेवरा गांव निवासी मगन राम की 55 वर्षीय पत्नी लालमणी देवी अपने बेटे अच्छे लाल के साथ बाइक पर सवार होकर चौरी अपने किसी रिश्तेदार के यहां आ रही थी, जहां जमुआ गांव रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक ट्रक से ओवरटेक करते समय महिला बाइक से नीचे गिर गई और ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे के बाद हंगामा हो गया। आसपास के लोग ट्रक चालक को पकड़कर पीटने लगे। महिला की मौके पर मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया। इस हादसे में बाइक चला रहा छेलाल बाल बाल बच गया। हादसे के बाद लगभग आधे घंटे तक मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा। सूचना मिलते ही परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। भदोही शहर के इंदिरा मिल रेलवे क्रॉसिंग रामरायपुर स्थित एक हॉस्पिटल के समीप के सर्विस लेन की दोनों पटरियां पूरी तरह बदहाल हो गई हैं। सर्विस लेन की एक तरफ की सड़क जहां पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ की सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब भरी हुई हैं। सर्विस लेन के समीप ही नाले के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। आवागमन में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने बदहाल सर्विस लेन को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही चेताया कि अगर बदहाल सर्विस लेन की सड़क ठीक नहीं कराई गई तो चक्का जाम किया जाएगा। लोगों ने बताया कि आए दिन इस बदहाल सर्विस लेन की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे रविवार को भदोही दौरे पर थे। भदोही जनपद पहुंचे महेंद्रनाथ पांडे का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का भी मंत्र दिया। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, प्रिंस गुप्ता, जावेद कुरैशी, गिरधारी जायसवाल, विनीत बर्नवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ स्वागत किया है। इसी तरह चौरी व गोपी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में बिंदेश गुप्ता, अनूप जायसवाल, अमरलाल मौर्यार, संदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। सूर्यामा भदोही मार्ग पर स्थित करियाव बाजार में उस वक्त अफरा तफरी व हड़कंप मच गया जब छेदी लाल हलवाई के मकान के बारजे का गाटर व पटिया धाराशाही होकर टीनसेट पर गिर गया। टीनसेट के नीचे बैठकर दुकानदारी कर रही महिला व बच्चे भाग खड़े हुए। हादसा बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन संयोग अच्छा था कि पटिया व गाटर टीनसेट पर गिरा। अगर टीनसेट न होता तो गाटर व पटिया सीधे महिला व बच्चों के ऊपर गिर जाता तो करियाव बाजार में एक बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक मकान के बारजे का गाटर व पटिया गिरने से करियाव में हड़कंप मच गया। चौरी थाना इलाके के बरधहा गांव में कूलर में विद्युत प्रवाहित होने की वजह से एक अधेड़ रफीक हाशमी नामक कालीन बुनकर की मौत हो गई। मुहर्रम पर वह खिचड़ा खाने के बाद हाथ धो रहा था, तभी समीप रखे कूलर के संपर्क में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में परिजन उसे भदोही शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के 4 पुत्र व 2 पुत्री हैं। अधेड़ बुनकर बेहद गरीब था और वहीं परिवार का खर्च चला रहा था। बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आसपास के लोगों ने आर्थिक सहयोग किए जाने की मांग की है। बाप की मौत के बाद परिवार के बच्चे तो पूरी तरह सुध-बुध खो बैठे हैं। भदोही जिले के 6 विकास खंडों के 546 ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए 4500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग अभ्यर्थियों के आवेदनों को समेटने में जुट गया है। आपको बता दें कि अगले माह 7 सितंबर को नियुक्ति को लेकर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 17 अगस्त तक कुल 4500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन मांगा गया था। हालांकि नियुक्ति को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के जनसेवा केंद्र के संचालकों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था, जहां आरक्षण के हिसाब से 271 सामान्य, 150 ओबीसी और 125 एससी पंचायत सहायक नियुक्त होंगे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर आए आवेदनों की सूची बनाकर ग्राम पंचायतों को भेजी जा रही है। आने वाले दिनों में भदोही जनपद में अच्छी बारिश की संभावना बताई गई है। इन दिनों बादल छाए रहेंगे तथा दिन में तापमान 33 से 35 व रात में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों तक पूर्वा हवाएं बनी रहेंगी, इसके बाद पछुआ हवा होने के आसार हैं। इन दिनों नमी अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। इसी तरह मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि उर्द में निराई गुड़ाई करके खर पतवार निकाल लें। शुक्रवार को छुट्टी वाले दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक व स्टोनो रोहितास दुबे ने आकस्मिक सेवाओं को लेकर सीएससी सूर्यामा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक आरबी पाठक समय से मौजूद नहीं थे, जिस पर एक दिन का वेतन रोके जाने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। इसी तरह सीएससी के फार्मासिस्ट को भी सीएमओ ने फटकार लगाई है। इमरजेंसी वार्ड में जहां भीषण गंदगी फैली थी, वहीं दवाएं भी मौजूद नहीं थी। आकस्मिक सेवाओं के लिए तैनात स्टाफ ड्रेस में नहीं थे। सीएससी सूर्यामा में अनगिनत खामियां देख सीएमओ के तेवर तल्ख हो गए और जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। पांच
5 सितंबर को भदोही जिले के डीग विकास खंड के इनार गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सफाई तैयारियों में जुट गए हैं, जहां शुक्रवार को निवर्तमान जिला अध्यक्ष बाल विद्याधर विकास यादव ने इनार गांव में बैठक की। बैठक में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे भी मौजूद रहे, जहाँ विकास यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सिपाही हर बूथ पर पहुंचे और 18 वर्ष के हो चुके लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि इतिहास का यह पहला दिन होगा कि महर्षि वाल्मीकि के कर्मभूमि से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर हृदय नारायण प्रजापति, श्यामधर यादव, गुलाब पाल, धर्मेंद्र मिश्रा आदि सपाई मौजूद रहे। भदोही जिले के ऊंच पुलिस व क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे के किरण ढाबे के पास ऊंच पुलिस व क्राइम ब्रांच ने एक डीसीएम से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। गांजा लदे डीसीएम को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। यह गांजा उड़ीसा के विशाखापट्टनम से लाया गया था, जहां अलग अलग जनपदों में इसकी सप्लाई की जाने वाली थी। इसी दौरान ऊज थाना अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, उप निरीक्षक अखिलेश्वर यादव व थाने के हमराइयों सहित क्राइम ब्रांच के विनोद दुबे, कांस्टेबल सर्वेश राय, तुफेल अहमद, नागेंद्र यादव, दीपक यादव, नीरज यादव, सुनील कन्नौजिया ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर डीसीएम सहित उसमें सवार को हिरासत में लेकर इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बागपत जिले के मुशीदाबाद निवासी अंकित पवार तथा अमेठी के मुसाफिर खाना पूरे जबर निवासी शिवनाथ निषाद को गिरफ्तार किया गया है। एक ओर जहां भदोही जिला प्रशासन संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठकों के साथ तमाम तरह के निर्देश दे रहा है, तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य को लेकर लापरवाही भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाना है। सांसद, विधायक सहित खुद जिला अधिकारी ने निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट को 15 अगस्त तक चालू कर लिए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो सका। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। विभागीय अधिकारी भी पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं। चौरी थाना क्षेत्र के कछुआ बोझ में 2 वर्षीय मासूम बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई है। इस संबंध में बताया जाता है कि जौनपुर जिले के निवड़िया थाना क्षेत्र के धनेतु गांव निवासिनी कमला देवी नामक एक महिला चौरी थाना क्षेत्र के कछुआ बोझ गांव आई हुई थी, जहां 2 वर्षीय उसका पुत्र अमन घर में सो रहा था, तभी किसी समय सांप ने उसे काट लिया। अमन जब अचेत हुआ तो परिजन चौरी बाजार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने सांप के काटने की जानकारी दी। परिजन अमन को लेकर कछुआ झाड़फूंक करने जा रहे थे, जहां उसकी चौरी बाजार में ही मौत हो गई। मासूम बच्चे अमन की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बाजार में ही अमन के शव को लेकर विलाप कर रहे थे। इस मंजर को देख हर किसी की आंखें नम हो गई थी। डीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में लगा हैंडपंप खुद प्यासा है। खराब पड़े इस हैंडपंप की सुधि विभागीय अधिकारी भी नहीं ले रहे हैं, जिससे अस्पताल पर आने वाले मरीज व तीमारदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीक पहुंच रहे हैं। हैंडपंप खराब होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों सहित वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को प्यास लगने के बाद भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों ने खराब पड़े हैंडपंप को बनवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में चोरों का आतंक है। गुरुवार व शुक्रवार की रात चोरों ने 2 स्थानों पर धावा बोला है। चोरों ने पहली घटना दीन दुखी आश्रम में अंजाम दिया है, जहां बड़े शिव मंदिर से सटे कॉलोनी में स्थित दीन दुखी आश्रम में घुसकर चोरों ने बर्तनों पर हाथ साफ किया है। चोरी के मामले की सूचना आश्रम के संचालक डॉक्टर सुधीर वर्मा ने गोपीगंज पुलिस को दी है। इसी तरह चोरी की दूसरी घटना स्टेशन रोड रघुनाथपुर से सामने आई है। इस संबंध में
शाश्वत सिंह नामक व्यक्ति ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि उसके घर के सामने रखा 70 किलो सरिया चोर उठा ले गए हैं। बताया जाता है कि सरिया मकान निर्माण के लिए रखा गया था। इलाके में बढ़ती चोरी की घटना से लोगों में भय व्याप्त है। बेकाबू तेज रफ्तार बाइक सवार गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी गांव के समीप फिसलकर गिर गए। बाइक पर दो लोग सवार थे, दोनों चोटिल हुए हैं। लापरवाही भरे अंदाज में बाइक चला रहे बाइक सवार मिर्जापुर कछवा बाजार के तुलापुर निवासी अरुण उपाध्याय व गुरु शरण उपाध्याय प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। दोनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC गोपीगंज लाया गया, जहां गंभीर चोट होने के कारण रेफर कर दिया गया। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड बाजार सरदार खान। हमारे सिटी कार्यालय का नंबर लगातार चैनल पर फ्लैश हो रहा है, इसी नंबर पर आप खबरों को बता सकते हैं या कोई भी हो सूचना आप बेधड़क हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का। आज 21 अगस्त 2006 को भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।